हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय जोशी और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में आपका स्वागत है। होप करता हूं आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, जिस वीडियो में हमने स्टूडियो मास्टर कंपनी का ए रेट मिक्सर के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी थी। आज उसी को देखते हुए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैंने साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर 22 मिक्सर के बारे में पूरी जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मिक्सर है साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर 22। दोस्तों, इसमें और भी मॉडल आते हैं, साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर 16, साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर 12। दोस्तों, आज हम जिस मिक्सर की बात करने जा रहे हैं वो है साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर 22। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी खासियत बता देता हूँ। इसके अंदर घोस्ट का माइक प्री एम्प है। इसके अंदर सबसे खासियत बात यह थी, इसके अंदर लेक्सिकॉन का FX प्रोसेसर है, इको। इसमें डबल इको है और इसमें GB ऑडियो राउटिंग भी है और इसमें DBX का ब्रॉडबैंड लिमिटर है, जिसके बारे में अभी आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर सिग्नेचर 22 ये क्या है। इसमें 22 यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन माइक लगाने के लिए लिए आप देख सकते हो, ये माइक 1, ये माइक 2, ये माइक 3, ये माइक 4, ये माइक 6, ये माइक 7, ये माइक 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। इसलिए इसको साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर 22 कहा जाता है। ये ऊपर माइक लगने का ऑप्शन है और ये लाइन लगने के, इसके अंदर हम कीबोर्ड, ऑक्टोपेड, गिटार और कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर हम डायरेक्ट अपना लैपटॉप मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं जब हम लाइव डीजे चलाते हैं। और इसमें भी हम सीधा अपना लाइव मोबाइल और लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ में। दोस्तों, अब मैं आपको पूरा डिटेल्स और बताता हूँ ताकि आपको बेटर और समझ में आए। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, इधर इसका ये माइक 1 है, उसके नीचे ये लिमिटर स्विच है जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें DBX का ब्रॉडबैंड लिमिटर है। ये लिमिटर अगर बाहर रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, इसको हम जब प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये लिमिटर ऑन रहेगा तो हम जो इस मिक्सर पे सेटिंग करेंगे वो सेटिंग वही सेट हो जाएगी और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस मिलने लगेगा हमको। दोस्तों, सबसे पहले जो इसका स्विच है, ये गेन है, उसके बाद में ये इसका HF है, हाई फ्रिक्वेंसी। उसके बाद में ये जो दूसरा स्विच है, ये इसका HMF है, हाई मिड फ्रिक्वेंसी। तीसरा स्विच इसका मिड फ्रिक्वेंसी है, चौथा इसका लो मिड फ्रिक्वेंसी है, पांचवा इसका लो फ्रिक्वेंसी है और छठा इसका लो फ्रिक्वेंसी है। दोस्तों, इस मिक्सर में इक्वलाइजर काफी अच्छा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसमें HF के लिए भी 2 स्विच दिए हुए हैं, MF के लिए भी 2 स्विच दिए हुए हैं और LF के लिए भी 2 स्विच दिए हुए हैं। काफी अच्छा मिक्सर है ये। और उसके बाद में इसमें ऑक्स के भी बहुत सारे इनपुट है, ऑक्स 1, ऑक्स 2, ऑक्स 3, ऑक्स 4 और ऑक्स 5। 5 इसमें ऑक्स आउटपुट के ऑप्शन दिए हुए हैं और उसके नीचे आए हम 3 ऑक्स के बाद में ये चौथा जो ऑक्स, उसके बाद में ये FX जो मैंने अभी आपको इको बताया था कि इस मिक्सर के अंदर 2 इको है, 2 इको है तो 2 इको की सेटिंग होती है। तो जो 4 नंबरों का आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है ऑक्स 4, उसके नीचे लिखा हुआ है FX1, तो ये भी इको के साथ भी काम करेगा और जब इको नहीं यूज करेंगे तो ऑक्स के साथ काम करेगा। और ये ऑक्स 5 है और ये FX2 है, ये दूसरा इको के लिए। उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो वो पेन, ये पेन का स्विच है, ये सेंटर में रहते हैं हमेशा। जब हम आउटपुट देते हैं तो एक जैसी आवाज आती है, अगर लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट साइड आउटपुट की आवाज जाएगी और राइट साइड रखेंगे तो राइट साइड की आउटपुट की आवाज जाएगी। उसके नीचे आएंगे तो ये म्यूट का स्विच है, हम अगर कोई पर्टिकुलर माइक को म्यूट करना चाहते तो हम यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद में ये PFL का स्विच है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था PFL का मतलब, अगर ये ऑन रहेगा तो जो अपना जो मिक्सर का डिस्प्ले होता है जिसमें लाइट अप डाउन करती है, अगर ये ऑन रहेगा तो इस माइक उसमें डिस्प्ले बताएगा। उसके बाद में ये इसके 3 ग्रुप दिए हुए हैं, अच्छी GB राउटिंग है इसकी ग्रुप की। अगर ये जो इसका मेन वॉल्यूम स्लाइड है पूरे मिक्सर का, और उसके साथ ये 3 ग्रुप दिए हुए हैं, अगर ये ऑफ रहेंगे तो आवाज कहीं नहीं जाएगी, इसका मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। वैसे ही इसमें दूसरा माइक है, उसके सारे ये फंक्शन है, वैसे तीसरे माइक है, चौथे माइक से करके सारे इस मिक्सर के फंक्शन है। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्स के इनपुट दिए हुए हैं, ऑक्स 1, ऑक्स 2, ऑक्स 3, ऑक्स 4, ऑक्स 5। दोस्तों, ये हेडफोन का स्विच है, इसमें हम अपना हेडफोन डाल सकते हैं लाइव प्रोग्राम में सुनने के लिए और ये इसका वॉल्यूम है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है इसमें फैंटम पावर है,
इसको हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग में भी काम में ले सकते हैं मिक्सर को, काफी लोग यूज लेते हैं, मैं भी लेता हूँ लाइव प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में। ये इसको अगर स्विच दबाएंगे तो इसकी फैंटम पावर ऑन हो जाएगी। फैंटम पावर ऑन होने का मतलब होता है कि ये जो माइक के ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे ये सारे, इसमें हम अपना कंडेंसर माइक भी लगा सकते हैं। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिख के देखना कंडेंसर माइक्रोफोन जो रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं वो हम इसमें लगा सकते हैं। उसके लिए हमको अपनी फैंटम पावर ऑन करनी पड़ेगी, ये यहाँ से ऑन होती है। अगर हम कंडेंसर माइक नहीं लगा रहे तो उसकी फैंटम पावर ऑन की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। ये यूएसबी पावर दिया हुआ है इसका, इसमें हम एक अपना अलग से लाइट भी लगा सकते हैं मिक्सर को देखने के लिए, अंधेरे के अंदर हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। यूएसबी पावर है इसकी दोस्तों, ये यूएसबी रिकॉर्डिंग है लाइव प्रोग्राम की या स्टूडियो में हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो जो हमारे प्रिंटर की लीड आती है, जिसको प्रिंटर से हम कंप्यूटर को कनेक्ट या लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, वही लीड इसमें काम आएगी। आप ऑनलाइन अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, तो आप यहां से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप में डाल दीजिए ताकि यहां का जो मिक्सर का आउटपुट है वो आपके लैपटॉप के अंदर आ जाएगा, ताकि आप अपना लाइव रिकॉर्डिंग कर सको। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसके आउटपुट है, ये दो इसके फीमेल आउटपुट है, फीमेल वाली लीड एक्सएलआर इसमें डालेंगे और आगे अपने एम्पलीफायर को कनेक्ट करेंगे हम। ये ग्रुप वन, ये ग्रुप टू, ये ग्रुप थ्री, ये ग्रुप फोर, ये इसके एक दो तीन ग्रुप बनाए हुए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था ये दो स्विच है, ये आप देखो ये करीब से, इसमें लिखा हुआ एमएसटी मतलब पहला ग्रुप, ये उसके बाद ये दूसरा, ये पहला दूसरा ग्रुप, ये तीसरा चौथा ग्रुप, ये एमएसटी मेन जो एक्सएलआर फीमेल लगती है उसके लिए। ये अगर हम इसको बंद कर देंगे आउटपुट में तो उसमें आवाज नहीं जाएगी, और अगर इसको बंद कर देंगे तो एक दो में आवाज नहीं जाएगी, इसको बंद कर देंगे तो तीन चार में आवाज नहीं जाएगी। जब लाइव प्रोग्राम हम पर्टिकुलर किसी एक माइक का आवाज सिर्फ अगर एक ग्रुप में देना चाहे अलग स्पीकर में मॉनिटर में, तो हम अगर हमने अपना मॉनिटर वाली मशीन अगर मास्टर में लगाई है तो हम इसको दबा देंगे तो सिर्फ उसमें ही आवाज आएगी, बाकी अपने स्पीकर में आवाज नहीं आएगी मशीन के अकॉर्डिंग। और सारों में देनी है तो सब पूरे स्विच को अंदर हम लोग को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद में उसी तरह ये इसके नीचे सारे वॉल्यूम है, आप करीब से देख लीजिए, ये इसका मेन मास्टर वॉल्यूम है, आप नीचे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका मेन मास्टर वॉल्यूम है उसका। और उसके बाद में ये उसका ग्रुप वन ग्रुप टू का वॉल्यूम है दोनों का साथ का, और ये उसका ग्रुप तीन और ग्रुप चार का वॉल्यूम उसके साथ का। और ये जो ऊपर दिया हुआ है स्विच, ये मोनो है मास्टर मास्टर, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये मास्टर के साथ में इनका भी वॉल्यूम ऐड हो जाएगा और ये एक साथ में अच्छी क्वालिटी देगा हमको। अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये पर्टिकुलर सिंगल मास्टर सिंगल वॉल्यूम काम करेंगे ये, और अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे सबको तो ये मोनो मास्टर के साथ में सारे काम करेंगे। अगर जैसे मास्टर का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो साथ में इनका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। और उसके बाद में ये जो स्विच है ये कंप्लीट मिक्सर का म्यूट का स्विच है, अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो सारा मिक्सर म्यूट हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा इसके अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे, इस मिक्सर के अंदर लेक्सिकॉन का एफएक्स प्रोसेसर इको प्रोसेसर है, जिसका इको ये है, इसमें दो इको है, जो पहला है इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये इधर अप डाउन होगा, ये इसमें हम अपना इको सेट कर सकते हैं जो अपने को पसंद हो। ये रिवर्ब के लिए, ये डीले मोड के लिए दूसरा स्विच, एक में ब्लू अप डाउन हो रहा है, एक में व्हाइट अप डाउन हो रहा है, जहाँ पे हमने को रखना है फिर उसके बाद ऊपर से प्रेस करेंगे तब ये लॉक हो जाएगा, फिर उसके बाद में भी हम इसको जहाँ पे सेट करना ऊपर से प्रेस करेंगे लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो ये नीचे के स्विच दिए हुए हैं ये ऑक्स आउटपुट के स्विच दिए हुए हैं, मैंने बताया था ऑक्स, अगर अपने जैसे छह ग्रुप अपने लगा दो उसके बाद में अगर अपने को और ऑक्स आउटपुट देना है जिससे हम अपनी मशीन जोड़ सकें, तो ये इसका ऑक्स वन का है, ये इसका ऑक्स वन का ये पूरा दिया हुआ है, ये तीसरा भी ऑक्स वन का है, ये इसलिए है इसके नीचे वाले ताकि ऑक्स के अंदर भी अगर हमको इको देना है तो अगर इनको ऑन करेंगे और इसका ऑक्स वन का मेन ही ऑन करेंगे तो इको चला जाएगा ऑक्स के अंदर भी। और ये ऑक्स टू की तरह वही सेम है, ऑक्स थ्री की तरह वही सेम है, और ये ऑक्स फोर और ऑक्स फाइव है, ये इको देने के लिए होता है। अगर इसको बंद रखेंगे तो ऑक्स के अंदर इको नहीं जाएगा, जो अपना मेन ग्रुप है मास्टर वॉल्यूम उसी में इको जाएगा। अब इको की सेटिंग है जो अभी मैं आपको लाइव माइक लगा के बताऊंगा कि इको की सेटिंग कहाँ करनी है आपको। दोस्तों मैं आपको इसकी इको सेटिंग बताने जा रहा हूं। ये जो पहला स्विच है इको का, इसको हम राउंड करके फ्लैट पे सेट करते हैं। दूसरा जो इको है वो दूसरी रो में हम सेकंड नंबर डीले मोड लिखा हुआ है वहां पे करके इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो लॉक हो गया, ये इको सेट हो गया। थोड़ा नीचे आएंगे तो ये इको के यहाँ पे स्विच दिए हुए हैं, ये फर्स्ट नंबर जो इको सेट किया उसका स्विच है, दूसरा नंबर जो इको सेट किया उसका स्विच है, दोनों को हम जीरो तक और फाइव के बीच में खोल देंगे। उसके बाद में अभी तक इको नहीं आया, इको यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये, थोड़ा आप करीब से देख लीजिए, ऑक्स, ये जो ऑक्स फोर और ऑक्स फाइव लिखा हुआ है, और एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, एफ एक्स वन मतलब पहला इको,
आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इको आ चुका है, ये सीधा फ्लैट इको है, और ये जो इको सेकंड नंबर पे ये है जो आप देख सकते हो। हेलो हेलो, आप देख सकते हो ये फ्लैट जो इको आ रहा है, और उसके बाद में ये जो सेकंड इको है वो आ गया है। हमने पहले इको को बंद कर दिया, दूसरा इको हेलो हेलो हेलो, इसका इको सेट हो चुका है। हेलो हेलो, मैंने जो बताया आप उसको देख के अपना इको सेट कर सकते हो। ये जो है ये मिडल से थोड़ा कम करना है, सेकंड इको है इसका, और ये फर्स्ट इको फ्लैट। हेलो हेलो, हम दोस्तों इसकी अलग इको भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे लाइव प्रोग्राम में अगर रिपीट देना हो तो पहला इको जो हमने फ्लैट पे सेट किया था उसको हम सेकंड रो में फर्स्ट नंबर पे सेट कर देंगे और लॉक कर देंगे, और उसके बाद में अगर हम वापस यहाँ पे आएंगे तो जैसे अपना इको चल रहा है इसमें, ये कंटिन्यू इको है जो हमेशा लाइव प्रोग्राम में सेट होता है। उसके बाद में अगर हम इस इको को लाइव प्रोग्राम में बैठ के ऑपरेटिंग करेंगे तो रिपीट आएगी पीछे, ऐसे आप देख सकते हो। ये हमने इको सेट कर दिया, ये रिपीट देने के लिए इको होता है। और ये जो मैंने आपको बताया था ये FX1 और FX2 एक और दो नंबर पे सेट होगा, और ये सेकंड थोड़ा मिडल से इसको कम करना है तो इसका सेट हो जाएगा। दोस्तों हर बार ये बात ध्यान रखना, जितनी बार अगर आपका मिक्सर अगर बंद हो गया तो आप ऑन होगा तो मिक्सर में से इको उसकी सेटिंग हट जाएगी, इसलिए जितनी बार आपका मिक्सर ऑन होगा उतनी बार आपको मिक्सर की उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ेगी। ये मिक्सर डिजिटल मिक्सर है, इसलिए इसकी इको सेटिंग आपको बार बार करनी पड़ेगी। इसका इको काफी अच्छा है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको इसके इक्वलाइजर और इको की सेटिंग बताई है। आप लाइव प्रोग्राम में हमारा वीडियो देख के अपना इको सेट कर सकते हो। तो मेन बात यह है वो ये है कि ये इसमें जो इको है वो डिजिटल मिक्सर का इको है, तो आपके मिक्सर की जितनी बार पावर ऑफ होगी और वापस ऑन होगी तो आपको इसका इको वापस सेट करना पड़ेगा। और इसमें दो इको है लेक्सिकॉन के, दोनों इको जो अच्छे प्रोसेसर हैं। सबसे बड़ी बात कि इस मिक्सर का यूज आप लाइव प्रोग्राम में, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में, और आज काफी इंडिया के अंदर लोग और फॉरेन में भी लोग इस मिक्सर का यूज स्टूडियो रिकॉर्डिंग में भी करते हैं। क्योंकि इस मिक्सर में एक जो सबसे अच्छी खासियत वही है कि इसमें फैंटम पावर है, और फैंटम पावर इसलिए होती है कि जिसमें हम अपना कंडेंसर माइक्रोफोन लगाते हैं जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग में काम आता है। और जो काफी गिटारिस्ट है, जो काफी लोग जो अपना होम स्टूडियो जिन लोगों ने बनाया हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, वो भी लोग इस मिक्सर का यूज करते हैं। इस मिक्सर में काफी वेरिएंट आते हैं, सिग्नेचर 12, सिग्नेचर 16, सिग्नेचर 22। दोस्तों जो वेरिएंट मैंने आपको बताया है, जो मिक्सर मैंने आपको बताया है, वो है सिग्नेचर 22। आज मैंने आपको इसकी पूरी सेटिंग बताई है, इको सेट कैसे होता है। दोस्तों इतना बड़ा मिक्सर देख के घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ उसमें जितने भी चैनल है पर चैनल के जो नीचे वाले स्विच दिए जाते हैं वो उसी चैनल के होते हैं। जैसे हमने 12 नंबर माइक में अपना XLR पिन डाली तो उसके जो नीचे के जितने भी स्विच हो गए वो उसी माइक से रिलेटेड होंगे, और सब पे लिखा हुआ है। मैंने आपको बता दिया जो पहला स्विच है वो गेन का है, और जो सब आखिरी नीचे जो स्लाइड है वो भी वॉल्यूम की है। तो जो पहला स्विच है उसके बाद में दो स्विच इसमें HF के दिए हुए हैं। हर मिक्सर में एक HF का आता है ट्रेबल का, एक MF का आता है मिड का, और एक आता है LF का लो फ्रिक्वेंसी जिसको हम बेस बोलते हैं। इस मिक्सर में हर एक के दो दो स्विच है। HF हाई फ्रिक्वेंसी के दो स्विच है, MF मिड फ्रिक्वेंसी के दो स्विच है, और LF लो फ्रिक्वेंसी बेस के दो स्विच है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छा है ये मिक्सर, आप आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद में इसमें ऑक्स के जो पांच आउटपुट मैंने बताए थे, जिसमें तीन आउटपुट है और उसके बाद में दो ऑक्स के जो आउटपुट है चार नंबर और पांच नंबर, वो इको की सेटिंग के लिए है। आप मेरा वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।